वो जैसे परे गिरी थी ना भी वैसे गिरेगी। और तेज चला, तेज तेज, वापस मोड़ दे ले, वापस मोड़। तेरे को भी आती है पोएम? ऐसी पोएम आती है? नीचे देख, नीचे नीचे देख, नीचे नीचे, ये हाँ चला दे। हाँ जी कर दू ना, बोलना तो है शायद। इतनी तेज रफ्तार से पानी आ रहा है नीचे, धरती के नीचे से। और इसको ऑन करते करते एक बात याद आ गई जो आपके साथ करने लायक है। तो यूं हुआ कि यहाँ पे पड़ोस में एक बोरवेल खुद रहा था, ठीक है जी, और वो था रास्ते में। तो जब हम रास्ते में गुजर रहे थे तो वहाँ जाके थोड़े से पास गए और फिर क्या, फिर तो बातचीत शुरू हो गई। तो जब बातचीत शुरू हुई तो हमने उनसे वैसे पूछ लिया कि आज की डेट में जो है आप कितनी डेप्थ में पानी निकाल रहे हो, मतलब कि कितना नीचे जाना पड़ रहा है आपको कि पानी साफ निकल जाता है। तो भाई जो उन्होंने कहा ना, जो उनके शब्द थे, वो मैं आपके साथ शब्दशः साझा कर रहा हूँ कि 2000 में जब बोले हमने शुरू किया था तो पोंटा में जो है लगभग 40 से 50 फीट पे पानी निकल जाता था बढ़िया साफ, मतलब 40 पे गाज मान लो, 50 पे बहुत बढ़िया साफ पानी निकल जाता था। लेकिन आज की डेट में पोंटा में जो है कम से कम 140 फीट पे पानी निकल रहा है। तो मतलब 20 साल 21 साल के गैप में इतना फर्क पड़ गया कि डबल ट्रिपल का फर्क पड़ गया। और ये चिंताजनक विषय इसलिए है क्योंकि हमारे चेन्नई में धरातल पे जो पानी है, मतलब जो ग्राउंड वाटर है, वो ख़त्म हो चुका है। और मेरे हिसाब से, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, यू मे अग्री और डिसअग्री, कि जो हमारा पानी का जो विभाग है ना, आईपीएस विभाग है, उनको ये सब चीज़ें मतलब अपने अंडर लेनी चाहिए। कहने का मतलब है कि एक जो सरकारी अथॉरिटी होती है उसके पास इसका चार्ज रहना ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में हर बंदा साधन संपन्न है और वो सीधे अपने बोरवेल खुदवाते हैं। तो ये जो पानी वाला मसला है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, तो इट शुड बी रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़।